हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो मारुति 800 है उसके अंदर जो मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी है उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। मेजरली जो डोर के ऊपर जो काम हुआ है वो मैं यहां पे बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डोर है, डोर के ऊपर रैप कर दिया हुआ है जो ये डोर के गत्ते होते हैं। तो जैसा कि मैं पीछे रील्स में डाल भी रहा था, तो वहाँ पे क्या है कि मैंने ये इसका अनकवर करके डाली हुई थी, ये तो नहीं लगी थी। फिर इसको रैप किया हुआ है लेदर। तो गाइस यहाँ पे जो लेदर रैप किया गया है, लेदर रैप में आप देख सकते हो फिनिशिंग किस तरह की यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे जो है इनको स्क्रू से जो है टाइट किया हुआ ताकि ये छूट ना जाए। और इस तरफ से अगर देखोगे इसकी फिनिशिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और डिज़ाइन भी इसका जो मुझे पैटर्न लगा वो काफ़ी अच्छा लगा। थार वगैरह में आपने देखा होगा ये लगा हुआ, तो इसलिए मैंने ये लगवाया है। बाकी यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ देख सकते हो बिल्कुल एकदम साफ़ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से जो है सारे डोर्स के अंदर जो है वो किया हुआ है हमने काम। और इस डोर पे भी देखोगे तो ये सेम ऐसे ही पैटर्न चल रहा है। और यहाँ पे भी देखो कॉर्नर पे कोई नहीं है, यहाँ पे ये हमें लगाने पड़ते हैं ये पेच जैसे, ताकि इसे जो है इसमें पकड़ आ जाए, छूटे ना ये। क्योंकि इसके जो लॉक्स होते हैं वो तो काफ़ी छोटे छोटे से लॉक होते हैं और उसके ऊपर ये कपड़ा जो है ये काफ़ी हैवी लगा हुआ है। तो भाई इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब इसको आप बिठाते हो तो लॉक जो है वो छूट जाता है, बिकॉज थोड़ी सी इसकी विड्थ है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से ये जो है गत्ता वहाँ अपनी पोजीशन पे नहीं बैठ पाता। जैसे यहाँ पे देखो इस तरफ यहाँ नहीं लगवाया है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इधर को आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लगवा लूँगा इसमें। मे भी शायद किसी वजह से भूल गए भाई लगाना वो, और यहाँ पे भी लगा हुआ है ताकि छूटे ना किसी भी तरह से। तो यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही सारे डोर्स के अंदर है। तो उस डोर की तरफ मैं चलता हूँ अभी। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो की गई है। और फिनिशिंग में यहाँ पे हल्की हल्की सी ये दिक्कत है, इसको फिट करवाएंगे अच्छे से। तो गाइज यहाँ पे भी देख सकते हो सेम पैटर्न जो है फॉलो किया गया है, वही चीज़ वही सब लगा हुआ है, पेच यहाँ पे भी लगे हुए हैं। थोड़ी सी गाड़ी साफ़ कराने को, अभी काम कुछ और भी इसमें करने को है, तो इस वजह से जो है अभी थोड़ा सा गंदा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। थोड़ी सफाई करने के बाद इसमें ज़्यादा सफाई आ जाएगी। यहाँ पर अगर इस दरवाज़े पर बताऊँ, यहाँ पे भी सेम फिनिश जो है उसी तरह का किया हुआ है। और यहाँ पे अगर देख सकते हो ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स के अराउंड जो वुडन का जो वो पैनल क्या कहते हैं इसको, जो रिंग लगी हुई थी वुडन की, उसको भी अच्छे से कवर किया हुआ है। और इसके ऊपर जो है हमने इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स लगाए हैं। यहाँ पर भी ये चीज़ है, इसमें डैम्पिंग करवा दी गई है अंदर से। ये मैंने इसलिए रखी थी ताकि वीडियो में बता पाऊँ आपको कि डैम्पिंग यहाँ पर हो रखी है। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे अब वीडियो बनाने के बाद, ताकि जो है ये साफ़ आ जाए यहाँ पे, नहीं तो कट जाएंगे। स्टील की प्लेट है, इसके ऊपर फॉइल टाइप की लगी रहती है तो हाथ इससे कट जाते हैं। तो यहीं पे गाइस आप देख सकते हो रूफ़ वर्क भी हो रखा है, और रूफ़ की जो सफाई है वो भी सेम ऐसे ही है, देखो बिल्कुल साफ। यहाँ पे किसी भी तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फेवी जो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, फेविकॉल आता है ना जो इंस्टेंट वाला होता है, उससे ऊपर को चिपकाया जाता है इसको कपड़े को भी। तो कपड़ा देखो इस तरह से लगा हुआ है। थोड़ा इसका व्यू मैं आपको वाइड करके बताता हूँ, ये देखो। तो इसकी फिनिशिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही लग रहा है। तो भाई इसी तरह से हम देखें तो पैटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा, और कोई दिक्कत वाली बात मुझे अभी तक तो नहीं है सच लगी। बट देखते हैं लॉन्ग रन में इसका क्या इफेक्ट होता है, छूट जाएगा कैसा रहेगा, सही रहेगा, सस्टेनेबल है या नहीं। और इसकी जो फिट एंड फिनिश देखोगे वो काफ़ी अच्छा उन्होंने किया हुआ है जहाँ से मैंने काम करवाया था। तो गाइस अगर आप भी इस तरह का काम करवाना चाहते हो अपनी 800 के अंदर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि 800 में क्या काम करवाना है या क्या ये सब करना है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे मैं गया हूँ, इससे पहले मैं एक जगह और गया था, अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे वहाँ पे मैं काम करवाने गया था, भाई डायरेक्टली उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस गाड़ी का काम नहीं करेंगे, छोटी गाड़ी है क्या गाड़ी है ये जो भी उन्होंने बोला, मुझे बिल्कुल पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो चीज़, तो मैं वहाँ पर नहीं गया काम करवाने। ठीक है, सीधी सी बात है। मैं इधर उधर इंक्वायर कर रहा था, फिर मैं जस्ट ऐसे ही यहाँ पे जस्ट बगल में गया, तो भाई वहाँ पे जो मुझे काम करने का तरीका उनको लगा ठीक लगा, अच्छा लगा। उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बोला कि छोटी गाड़ी तो हम काम नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ वहाँ पे कमेंटिंग वगैरह नहीं हुई। तो भाई वहाँ से मैंने काम करवा लिया और काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आगे एक एक स्टेप पर काम करवाया, ये नहीं कि एक साथ करवा दिया। छोटा काम देखा, फिर देखा कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, तो मुझे लगा कि हाँ भाई अच्छा काम हो रहा है। तो मैंने फिर आगे डैम्पिंग करवाई, फिर मैंने इस पर रैपिंग करवाई, तो अभी भी कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ से करवानी है। गाइस अगर आप काम करवाना चाहते हो, भाई मैंने काम करवाया है ग्रेवाल कार एसेसरी, खरा लांड्रा रोड पे है। आप गूगल मैप पे अगर डालोगे तो वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी। गाइस वहाँ पे आप बता सकते हो, रेफर कर सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो भाई अच्छा खासा। और अभी जल्दी से जाइए अगर आपको काम करवाना है। बाकी काम में एज सच मुझे तो नहीं पर्सनली कोई इशू लगा,
अभी तक कोई इशू नहीं लगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, वेल मेंटेन। अब तो भाई उनका जो शोरूम है वो भी अपग्रेड हो गया है, नई जगह पे आ गया है, खुला स्पेस, अच्छा खासा स्पेस है, आपको बताऊंगा वहाँ पे भी, और वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और काफ़ी अच्छा स्पेस उन्होंने वहाँ पे लिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें जैसे अलॉयस है, टायर वर्क, बैटरी आपका हो गया, डिटेलिंग का काम हो गया, वो सारा वो वहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइस आप ज़रूर वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा एक बार। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको सीखने को मिली हो इस वीडियो से। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज़ राहुल साइनिंग आउट।